हेलो, गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड चैप्टर एंड इट्स अवर सेकंड यूनिट ऑफ योर फर्स्ट बुक। ठीक है, जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन कंपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। लोगों को आयु, लिंग तथा उनके निवास स्थान के आधार पर पृथक किया जा सकता है। जनसंख्या को पृथक करने वाली कुछ अन्य विशेषताएं क्या हैं? उनका ऑक्यूपेशन, उनका व्यवसाय, वो क्या काम करते हैं, शिक्षा है और जीवन प्रत्याशा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि हम किस तरीके से लोगों को किस आधार पर एक दूसरे से पृथक करेंगे। पृथक का मतलब सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। तो किस आधार पर करेंगे? लोगों की आयु, उनका जो लिंग, उनका जो सेक्स होगा, ठीक है, मेल है या फीमेल है, उनके निवास स्थान पे जहां वो रहते हैं, जो उनका रेजिडेंशियल प्लेस है, उसके आधार पर हम इन्हें क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर की। लिंग संगठन। लिंग संगठन क्या होता है? स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जननांकीय विशेषता है। किसी देश की महत्वपूर्ण जननांकीय विशेषता है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? लिंग अनुपात कहा जाता है। देखिए यहाँ से एक डेफिनेशन क्लियर हो गई है आपको कि व्हाट इज द सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात क्या है। द रेशियो बिटवीन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स टू मेल इज कॉल्ड द सेक्स रेशियो। तो देखिए कुछ देशों में यह निम्न सूत्र है। निम्न सूत्र क्या है? पुरुष जनसंख्या, जितनी कुल पुरुषों की जनसंख्या है, यदि हम उसको स्त्रियों की जनसंख्या से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या क्या है। ये फॉर्मूला जो है वो उस जगह पे यूज किया जाता है जहां पर जो फेवरेबल कंडीशन हो, किसके फेवर में होनी चाहिए, फीमेल्स के, मतलब जहां पर फीमेल्स की पॉपुलेशन ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब ऐसी सिचुएशन मैक्सिमम जो है वो यूरोपियन जो कंट्रीज हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, वी हैव हमारे पास 7 कंटिनेंट्स हैं, तो जो यूरोप कंटिनेंट है, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन जो देश हैं, ठीक है, लाइक एज यूके वगैरह, ठीक है, तो ऐसी कंट्रीज जो होती हैं वहां पर क्या है कि जो फीमेल की पॉपुलेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल पॉपुलेशन, इसीलिए वहां पर इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिया, यदि मैं भारत के बारे में बात करती हूँ, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो लिंग अनुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है, यहाँ पर स्त्रियों की जनसंख्या को विभाजित किया गया है पुरुषों की जनसंख्या से इंटू 1000, या हम ये कहेंगे कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। ठीक है, हो गया ये क्लियर। तो ये ऐसी जो स्थिति होती है वो कहाँ पर होती है? इन डेवलपिंग कंट्री, इन विकासशील, जो विकासशील देश होते हैं, भारत है, श्रीलंका, लाइक इस पाकिस्तान हो गया, भूटान, नेपाल, चाइना एंड बांग्लादेश, म्यांमार, दीज ऑल आर द डेवलपिंग कंट्री। ये सभी के सभी क्या है, विकासशील देश है, और इनमें जो है वो मतलब इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। यू कैन सी फ्रॉम हियर दिस फॉर्मूला। ओके, इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके, तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा, जब भी कभी आपसे लिंग अनुपात के बारे में पूछा जाए तो लिंग अनुपात को आप यहाँ से डिफाइन करेंगी और उसके बाद जो फॉर्मूला है वो इस दो तरीके से आप राइट डाउन कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, और जो ये वीडियो है, इस वीडियो लेक्चर को आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बोथ स्टूडेंट्स देख सकते हैं, बिकॉज इन स्टार्टिंग आई एक्सप्लेन इन हिंदी, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश। ओके,
तो फिर उसके बाद देखिए, लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना देता है। देखिए किस तरीके से वो हमें सूचना देता है। मैंने क्या कहा आपको कि जो लिंग अनुपात है, जो सेक्स रेशियो है, वो क्या करता है कि स्त्रियों की वहां पर स्थिति क्या है इसके बारे में वो हमें सूचना देता है। तो किस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे, जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है वहां लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। ठीक है, क्या बता रही हूँ मैं यहाँ पर, ऐसे प्रदेश जहां पर लिंग भेदभाव अनियंत्रित है, बहुत ज्यादा सेक्स डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ठीक है, स्त्री और पुरुष के मध्य, वहां लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल ही होता है। और जहां पर लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होता है, उनके विपरीत होता है, तो वहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, दिस फॉर्मूला इज यूज हेयर। और देखिए इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूणहत्या, जो छोटे शिशु होते हैं, स्त्री शिशु हत्या आप इसे बोलेंगे, या फिर यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस भी होते हैं, मतलब स्त्रियों के साथ जो घरेलू हिंसा होती है, मार पिटाई होती है, दहेज प्रताड़ना जैसी जो चीजें होती हैं, या उनकी हत्या कर दी जाती है, तो ऐसी चीजें जो हैं जहां पर घरेलू हिंसा की प्रथा जो है वो प्रचलित होती है, वहां पर स्त्रियों का जो लिंग अनुपात है वो क्या होता है, स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। इसका एक कारण इन क्षेत्रों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना भी हो सकता है, मतलब सोशल, उसमें सोशल और इकोनॉमिक तो आप जानते हैं, आर्थिक रूप से स्त्रियों का जो स्तर है वो निम्न होने का अर्थ ये है कि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, बिकॉज वो जो है वो वर्किंग नहीं होती, मोस्टली जो होती है वो गृहिणी होती है, हाउसवाइफ होती है, घर को संभालती है, इसलिए उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो जाती है, काफी नीचे हो जाती है। और हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसमें भी मतलब इनको एक ऊंचा स्थान नहीं दिया गया है। लाइक एज यदि मैं इंडिया की बात करती हूँ, तो बेटे भारत में स्त्रियों की जो हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान देश है, ठीक है, तो इसमें जो स्थान जो बेटर होगा वो किसका होगा, पुरुषों का होगा। आपको समरण होना चाहिए कि जनसंख्या में अधिक स्त्रियों के होने का अर्थ यह नहीं है कि उनका स्तर बेहतर है, यह भी हो सकता है कि पुरुष रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर गए हों। देखिए ये चीज तो बिल्कुल ही क्लियर है कि यदि कहीं पर फीमेल्स की पॉपुलेशन ज्यादा है तो हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते हैं कि वहां की स्त्रियां जो है उनके साथ मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता होगा, भेदभाव नहीं होता होगा। एक कारण ये भी हो सकता है कि जो पुरुष है, पुरुष ने क्या किया, प्रवास किया, माइग्रेशन किया ड्यू टू इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो रोजगार की तलाश में अपने मूल स्थान को छोड़ देते हैं और किसी अन्य स्थान पर जाकर निवास करने लग जाते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। ये आपने लास्ट चैप्टर में स्टडी भी किया था, तो यहां से हमें ये चीज भी क्लियर हो गई है कि जहां पर ऐसा जरूरी नहीं है कि स्त्रियों की जनसंख्या अच्छी हो और तो हम समझें कि जो स्थिति है वो उनके अनुकूल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वहां के जो पुरुष हैं वो रोजगार के लिए किसी अन्य स्थान पर प्रवास कर गए हों, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखिए, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। जहां 100 स्त्री होंगी वहां पर क्या होंगे, 102 पुरुष होंगे। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बन गया है। ये क्वेश्चन जो है वो आप साथ के साथ मार्क करें, 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष होंगे, 102 पुरुष होंगे। विषयों में उच्चतम लिंग अनुपात लेटविया में दर्ज किया गया था। अब एक क्वेश्चन फिर से यहां बन गया है, दिस इज योर फर्स्ट वन मार्क क्वेश्चन एंड दिस इज योर सेकेंड वन मार्क क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें सेक्स रेशो जो है वो हाईएस्ट है, तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें सेक्स रेशो हाईएस्ट है, भाई ऐसी कंट्री है लेटविया, जहां पर उच्चतम लिंग अनुपात को दर्ज किया गया है, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं, ठीक है,
स्त्रियों की संख्या कितनी है, 100 है, इस पे 100 स्त्रियों पर पुरुष कितने हैं, 85 हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो स्त्रियों का लिंग अनुपात है वो किसके फेवर में है, पुरुषों के, स्त्रियों के फेवर में है। इसके विपरीत निम्न लिंग अनुपात जो है वो संयुक्त अरब अमीरात को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, UAE बोलेंगे, में दर्ज किया गया है, जहां पर हम ये कहेंगे कि 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। तो यहाँ का लिंग अनुपात क्या है, काफी खराब है। और यहाँ का लिंग अनुपात यदि हम देखें तो सबसे बेटर किसका है, लैटविया कंट्री का है। ठीक है, लिंग अनुपात के विषव प्रतिरूप से विषव के विकसित प्रदेशों में कोई अलग अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है, जबकि 72 देशों में क्या है, उनके प्रतिकूल है। देखिए 139 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर सेक्स रेशो जो है वो किसके फेवरेबल है, स्त्रियों के, उनके अनुकूल है, मतलब स्त्रियों की संख्या वहां पर ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल कैंडिडेट। लेकिन 72 कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पर फीमेल्स की जो पॉपुलेशन है वो कम है एज कम्पेयर टू मेल कैंडिडेट, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि उनकी जो जनसंख्या है, यहाँ पर हम स्थिति 72 देशों में क्या कहेंगे कि स्त्रियों के प्रतिकूल है। सामान्यतः एशिया में लिंग अनुपात निम्न है, एशिया कंटिनेंट की हम बात करें, ठीक है, तो मैंने आपको बता रखे हैं कंटिनेंट्स, हमारे टोटल कंटिनेंट्स कितने हैं, सेवन कंटिनेंट्स, 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप में जो एशिया महाद्वीप है वो सबसे बड़ा है, और यहाँ पर लिंग अनुपात जो है वो काफी नीचे है। और लिंग अनुपात किन कंट्रीज में सबसे नीचे है, जो एशिया कंटिनेंट की हैं, इन चाइना, इंडिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में लिंग अनुपात और भी ज्यादा निम्न है। फिर उसके बाद हम यहाँ देखते हैं दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो रशिया सहित यूरोप के एक बड़े भाग में पुरुष जो हैं वो अल्पसंख्या में हैं। रशिया सहित, ठीक है, रूस जो कंट्री है और यूरोप कंटिनेंट में जो कंट्रीज हैं वहां पर पुरुष क्या है, अल्पसंख्या। अल्पसंख्या का अर्थ क्या है, यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी संख्या में है। यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी है, वहां स्त्रियों की बेहतर स्थिति तथा भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण है। यहाँ पर देखिए जो फेवरेबल कंडीशन है टू द फीमेल्स, ठीक है, फीमेल के अनुकूल जो स्थिति है उसका रीजन क्या है एग्जैक्टली, कि जब हम हिस्ट्री की बात करें, भूतकाल की बात करें, तो यहाँ के जो प्रवास पुरुष थे वो यहाँ से इस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले गए हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि वो पुरुष जो है वो उत्प्रवास कर गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बेहतर स्थिति है वो किसकी है, स्त्रियों की है। ठीक है, कहाँ पर है बेहतर स्थिति, इन द यूरोप कंटिनेंट एंड रशिया कंट्री इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस फैक्ट। इज इट क्लियर टू यू नाउ? तो यहां तक आपको करना है, क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपको सारे साथ के साथ बता दिए हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बता दिए हैं, एंड यहां पर मैंने आपको सेक्स रेशियो को जो डिफाइन करना है, 2 वे में वी कैन डिफाइन द सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात को हम 2 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हो गया इतना क्लियर? अब इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो अपनी बुक को ओपन करें। चलिए बच्चे, आप लोगों ने अपनी बुक ओपन कर ली होगी। चैप्टर नेम क्या है? दिस इज पॉपुलेशन कंपोजिशन, इट्स अवर 3rd चैप्टर। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द 1st पैसेज। पीपल ऑफ एनी कंट्री आर डाइवर्स इन मैनी रिस्पेक्ट। ठीक है, बहुत सारे तरीके से लोग क्या हैं, अलग अलग हैं, बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न हैं। किस चीज से वो भिन्न हो सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं इच पर्सन इज यूनिक इन हर और हिज ऑन वे। ठीक है, प्रत्येक पर्सन क्या है, यूनिक है अपने तरीके से। पीपल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर एज एंड देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। Some of the other distinguishing attributes of the population are occupation, education and life expectancy. अब देखिए, जो लोग हैं वो एक दूसरे से आयु में भिन्न हो सकते हैं, वो एक दूसरे से सेक्स में भिन्न हो सकते हैं, या उनका जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वो एक दूसरे से भिन्न हो सकता है, या हम इस तरीके से लोगों को विभाजित कर सकते हैं। और भी इसकी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमने लोगों को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन, कि उन लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, दे आर टीचर, डॉक्टर, वट एवर, मीन्स एजुकेशन, एजुकेशन मीन्स
दे आर लिटरेट और इलिटरेट पर्सन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, मतलब एक जो एवरेज एज है वो एट प्रेजेंट क्या है, लाइक इज मीन 60 है, 80 है, 100 है, क्या है वो लोगों की आयु, मैक्सिमम जो एज होती है एवरेज, वो यहाँ पर ये जो है हमने तीन फैक्टर्स के बारे में यहाँ पर बात की है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, दिस इज द सेक्स कंपोजिशन. सेक्स कंपोजिशन क्या है, द नंबर ऑफ वुमेन्स एंड मैन इन ए कंट्री इज एन इम्पोर्टेंट डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स. यदि हम किसी भी देश के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ पर जो उन वुमेन की जो संख्या है और जो मैन की संख्या है उसके बारे में जानना जरूरी है. द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड मैन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो. नाउ देयर इज द डेफिनेशन ऑफ द सेक्स रेशियो. व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स रेशियो? सेक्स रेशियो का क्या अर्थ होता है, मीनिंग क्या है, सेक्स रेशो क्या है? द रेशो, रेशो किसकी, बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड मैन इन द पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या के अंदर जो रेशो है मैन की और वुमेन की, ठीक है, मैन टू वुमेन की जो भी रेशो है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सेक्स रेशो कहते हैं. इन सम कंट्रीज, यदि हम कुछ कंट्रीज की यहाँ पर बात करें, इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला. कौन से फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं? मेल डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 1000. ऑल्सो यू कैन सी दैट द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, ठीक है, 1000 फीमेल्स पे कितने मेल हैं. तो ये फॉर्मूला जो, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड इन डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड इन डेवलप्ड कंट्री, लाइक एज मैक्सिमम दिस फॉर्मूला इज यूज्ड इन द लाइक एज अ यूरोपियन कंट्री, ऑल्सो मीन्स इन रशिया कंट्री, बिकॉज देयर इज फीमेल पॉपुलेशन इज मोर एज कम्पेयर टू मेल पॉपुलेशन. जो औरतों की जनसंख्या है वो ज़्यादा है किसके कंपेरिजन में, मेल पॉपुलेशन के कंपेरिजन में. देयर आर ए लॉट ऑफ रीजन. नाउ आई विल टॉक अबाउट ए डेवलपिंग कंट्री एंड आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अवर कंट्री. इंडिया इज अवर कंट्री, दैट्स वाई आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल. देयर इज सेक्स रेशियो इज अनफेवरेबल फॉर द फीमेल्स, दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला. फीमेल पॉपुलेशन दिस इज डिवाइडेड बाय मेल पॉपुलेशन. फीमेल पॉपुलेशन को किससे डिवाइड किया गया है, मेल पॉपुलेशन, एंड मल्टीप्लाइड बाय 1000. नाउ वी कैन से ऑल्सो द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है, जो नंबर ऑफ फीमेल्स हैं वो कितना, किसके पर 1000 फीमेल्स, मतलब 1000 मेल पर कितनी फीमेल्स हैं, ये इसी फॉर्मूले से हम इंडिया की सेक्स रेशो जो है वो फाइंड करते हैं. द सेक्स रेशो इज एन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन ए कंट्री. ये कहता है कि जो एक औरत की स्थिति क्या है उस देश में, ये हम किससे पता कर सकते हैं, वहाँ की सेक्स रेशो से हम इस चीज के बारे में पता कर सकते हैं. द रीजन वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज रैम्पेंट, ये जो एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर वुमेन की फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, उसके अनुकूल कंडीशन नहीं होती है, उसके विपरीत होती है, उसके प्रतिकूल अपोजिट होती है, उसके लिए मीन्स एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो अच्छी नहीं होती है. तो वो क्या है, इन रीजन वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज रैम्पेंट, मतलब जहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मींस आप फीमेल हैं, मेल हैं, आपके जेंडर के अकॉर्डिंग आपके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाए, आपके साथ भेदभाव किया जाए, ठीक है, ऐसे रीजन के अंदर द सेक्स रेशियो इज बाउंड टू बी अनफेवरेबल टू वुमेन. यहां पर क्या हो सकती है, सेक्स रेशियो अनफेवरेबल हो सकती है वुमेन के. सच एरियाज आर दोज वेयर प्रैक्टिसेस ऑफ फीमेल फर्टिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर प्रीवेलेंट. ये कहता है कि ऐसी जो जगह होती हैं वहां पर क्या क्या स्थिति होती है, जो कन्या भ्रूण हत्याएं होती हैं वो भी होती हैं, गर्भ में ही जो है मतलब वो बच्चे को मार दिया जाता है, और डोमेस्टिक वायलेंस भी है, मतलब जो घरेलू जो हिंसा होती है, घर पर जो अत्याचार होते हैं, मार पिटाई,
ऐसी जो चीजें हैं वो औरतों के अगेंस्ट यहाँ पर होती हैं. एंड वन ऑफ द रीजन कुड बी लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन इन द एरियाज. और इन एरियाज में मीन्स जो औरतों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो काफी लोअर है. ठीक है, मतलब सोशियो के समाज में, हमारी सोसाइटी में उनको इक्वल राइट्स ने इक्वल नहीं समझा जाता है टू द मेल कैंडिडेट. एंड इकोनॉमिक स्टेटस मींस बिकॉज मैक्सिमम फीमेल्स आर हाउसवाइफ, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इकोनॉमिक स्टेटस इज ऑल्सो लोअर. You must remember that more women in the population does not mean they have a better status. और यदि जनसंख्या में हम ये कहें कि ज्यादा फीमेल हैं, तो इससे हम 100% भी ये बात बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि उनका स्टेटस काफी अच्छा है. बिकॉज इट कुड बी दैट ऐसा हो सकता है द मैन माइट हैव माइग्रेटेड टू अदर एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. यहाँ से आप क्या कहेंगे कि लोग जो हैं वो वहां से माइग्रेट हो गए हैं, जो मेल कैंडिडेट है बेटा वो माइग्रेट होकर दूसरी जगह पे चले गए हैं. तो ज्यादा कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट यदि माइग्रेट हो जाएंगे तो वहां पर क्या स्थिति उत्पन्न होगी कि फीमेल जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी. तो हम इससे बिल्कुल भी ये नहीं कह पाएंगे कि यहां पर उनका जो स्टेटस है हमारी सोसाइटी में वो बेटर हो गया है, वो अच्छा है. ठीक है, यहां से देखो, मैं यहां से एक आपको ये माइट मॉडल्स मैंने आपको करवाए थे, तो उन मॉडल्स में ये जो माइट वर्ड है, ठीक है, माइट एक मॉडल है. माइट में मैंने क्या कहा था, जहां पर बिल्कुल ही ना के बराबर पॉसिबिलिटी हो, लेस पॉसिबिलिटी की सिचुएशन में आप माइट का यूज कर सकते हैं. तो ये भी क्या है, लेस पॉसिबिलिटी है. ठीक है, इसीलिए यहां पर माइट मॉडल का यूज किया गया है. ठीक है, ये कंसेप्ट भी अपने साथ के साथ अपने माइंड में रखा करो. नेक्स्ट पेज पे चलिए. फिर नेक्स्ट पेज क्या कहता है, ऑन एन एवरेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट ए सेक्स रेशियो 102 फीमेल पर 100 फीमेल्स. ठीक है, 100 फीमेल पे यदि हम अपने वर्ल्ड की पॉपुलेशन में यदि सेक्स रेशियो को देखें तो 100 फीमेल पे कितनी है, 102 मेल हैं. द हाईएस्ट रेशियो जो है, ये क्वेश्चन नोट कर लेना, एक क्वेश्चन यहां से ये बन गया है. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहां से बन गया है कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन सी कंट्री में रिकॉर्ड किया गया है, इन लातविया कंट्री में. इन लातविया वी कैन सी दैट देयर इज 100 फीमेल्स एंड 85 मेल. यदि उसके बाद इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत यदि मैं बात करूं, दैट मीन्स जहां पर सेक्स रेशियो सबसे लोएस्ट है, तो ऐसी कंट्री कौन सी है, कतर है, जहां पर 311 जो है वो मेल है टू द 100 फीमेल. ठीक है, द वर्ल्ड पैटर्न फॉर ऑफ सेक्स रेशियो डज नॉट एग्जिबिट वेरिएशन इन डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड. द सेक्स रेशियो इज फेवरेबल फॉर फीमेल इन, यदि हम देखें तो सेक्स रेशियो जो है वो 139 कंट्रीज में फेवरेबल है टू द फीमेल एंड 72 कंट्रीज में अनफेवरेबल है. तो देखिए, आपसे पूछा जा सकता है इन हाउ मेनी कंट्रीज सेक्स रेशियो इज फेवरेबल टू द वुमेन. तो आप क्या कहेंगे, इन 139 कंट्रीज सेक्स रेशियो इज फेवरेबल टू द वुमेन. ये क्वेश्चन राइट डाउन कर लेना. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि इन हाउ मेनी कंट्रीज सेक्स रेशियो इज अनफेवरेबल फॉर द वुमेन. तो आप क्या क्या कहेंगे, इन 72 कंट्रीज सेक्स रेशियो इज अनफेवरेबल टू द फॉर द वुमेन. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया. हाईएस्ट सेक्स रेशियो इज रिकॉर्डेड इन द लातविया कंट्री वेयर मीन्स 100 जो फीमेल, यहाँ पर देखिए 100 फीमेल्स पे कितनी है, 85 है. यदि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लोएस्ट सेक्स रेशियो देन कतर, कतर इज ए कंट्री वेयर मीन्स 311 कैंडिडेट जो है मेल हैं एंड 100 कैंडिडेट की बात करें तो वो क्या है, फीमेल्स हैं. ठीक है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो, लोएस्ट सेक्स रेशियो एंड आफ्टर दैट आई विल टोल्ड. एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एशिया कंटिनेंट. एशिया कंटिनेंट की यदि मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर क्या है, लो सेक्स रेशियो है. कौन कौन सी कंट्री जो है वो यहाँ पर लो सेक्स रेशियो के अंदर इंक्लूड की गई हैं, लाइक एज द चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हैव लोअर सेक्स रेशियो. ऑन अदर एक्सट्रीम इज ग्रेटर पार्ट ऑफ यूरोप वेयर मेल्स आर इन द माइनॉरिटी. यूरोप में यदि हम देखें तो मेल्स क्या है, उनकी जनसंख्या कम है. यूरोप कंटिनेंट में एशिया का भी कुछ पार्ट आता है. सम पार्ट ऑफ रशिया इज इंक्लूडेड इन द यूरोप एंड सम पार्ट ऑफ रशिया इज इंक्लूडेड इन द एशिया कंटिनेंट्स. दैट्स वाई इट्स राइट हियर,
दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर इन यूरोप कंटिनेंट इंक्लूडिंग रशिया वेयर मेल आर इन माइनॉरिटीज. माइनॉरिटीज का मतलब क्या है? संख्या में कम है. ए डेफिशिएंट ऑफ मेल इन पॉपुलेशन ऑफ मेनी यूरोपियन कंट्रीज एट्रीब्यूटेड टू द बेटर स्टेटस ऑफ वुमेन एंड एक्सेसिवली मेल डोमिनेटेड आउट माइग्रेशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द पास्ट. और जहां पर हम ये कहें कि वुमेन की जो जनसंख्या है वो ज्यादा है या उनके फेवरेबल सेक्स रेशियो है, तो उसका रीजन ये भी हो सकता है कि जो मेल है वो ज्यादातर यहां से क्या हो गए हैं, माइग्रेट हो गए हैं. ठीक है, क्लियर हो गया. क्वेश्चंस मैंने आपको यहां से क्लियर कर दिए हैं. देखिए क्वेश्चन आज आपको जो करना है, हाउ इज सेक्स रेशियो मेजर्ड, किस तरीके से सेक्स रेशियो को मेजर किया जाता है, इन 30 वर्ड्स इन 3 मार्क्स. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक एंड आफ्टर दैट यू कैन सेंड मी इमेजेस ऑफ योर नोटबुक. इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके, तो आप ये हैं वो साथ के साथ जो क्वेश्चन आपको बताया जाता है वो साथ के साथ आप डेली याद करेंगे. ठीक है, ताकि आपको टेस्ट में जो है वो प्रॉब्लम ना आए. इज इट क्लियर?